दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से पुष्पा फिल्म के बारे में। इसके 46 डे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ। इस फिल्म ने 100 करोड़ तक की कमाई कर ली है और यहाँ पर से अभी ये आगे जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से इस फिल्म ने कलेक्शंस किया है, अपने फोर्थ वीक के बाद देखो ओटीटी पर फिल्म आ गई थी, फिफ्थ वीक में, सिक्स वीक में और सेवन्थ वीकेंड में जिस तरह से इस फिल्म ने कलेक्शंस किया है, ऐसा कलेक्शंस ट्रेंड मैंने नहीं देखा बॉलीवुड में, टॉलीवुड में कहीं नहीं देखा। इवन बड़ी बड़ी बाहुबली या उसमें भी इस तरह का ट्रेंड नहीं देखा। बड़ी बड़ी हॉलीवुड सॉरी ये बॉलीवुड की जो फिल्में हैं जैसे दंगल वगैरह या थ्री इडियट्स, उसका भी मैंने कलेक्शन ट्रेंड इस तरह से नहीं देखा जिस तरह से ये फिल्म ने कलेक्शन ट्रेंड किया। मतलब सब रिकॉर्ड से धज्जियां उड़ा दी। और जो लोग कहते थे कि ओटीटी पर आने के बाद फिल्में थिएटर में नहीं चलती, पुष्पा उसका लिविंग एग्जाम्पल है कि फिल्म अगर अच्छी हो तो थिएटर में चलेगी। यानी 45th डे की बात करें यानी कि सेवंथ वीक के संडे की, तो उस दिन इस फिल्म ने 1.30 करोड़ के आसपास तक का कलेक्शन किया है ये मान लीजिए। और अगर हम ट्रेड के कलेक्शन 45 लाख और 75 लाख की बात करें या जो 43 डे और 44 डे में आया है, तो उस लॉजिक के हिसाब से भी हमारे पास जो कलेक्शन आता है आफ्टर बोलते ना 44 डेज के बाद, वो कुछ 98.68 करोड़ के आसपास आता है। और उसमें अगर हम ये कलेक्शंस जोड़ ले तो कलेक्शंस कल का जोड़ ले 1.30 करोड़ 45th डे का, तो टोटल 100 करोड़ के आसपास आता ही आता है। यानी कि इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर ली है किसी भी हाल में, लॉजिक्स के हिसाब से बात करें, किसी तरह से हिसाब से बात करें। और यहां पर आज ये फिल्म मंडे आ गया सेवेंथ वीक का, 35 लाख से 55 लाख की कमाई आज भी फिल्म कर सकती है। और अगर इस तरह से कलेक्शंस हुआ तो इस कलेक्शंस के हिसाब से टोटल होगा इस फिल्म का आज का 100 करोड़ हो चुके हैं, ठीक है। आज का मिलाकर 100 करोड़ 35 लाख, 100 करोड़ 55 लाख के आसपास का कलेक्शंस आज का होगा अगर इस फिल्म ने 35 लाख या 55 लाख के रेंज में कमाई की तो। 46th डे का मैं प्रेडिक्शन कैसे लगा आपको जरूर बताइएगा। और इस फिल्म को लेकर फर्स्ट डे से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और इसके हिंदी डब वर्जन का पूरे नॉर्थ साइड में सबसे पहले इसके हिंदी डब जो है फिल्म का फिल्म मैंने देखी, पुष्पा हिंदी डब मैंने देखी। और पुष्पा हिंदी डब का रिव्यू भी सबसे पहले मैंने किया था और उसमें मैंने 4 स्टार के आसपास की रेटिंग दी थी और मैंने कहा था ये फिल्म चलने वाली झंडे गाड़ेगी और इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए है। चलिए बात कितना, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लव यू ऑल, बाय बाय।